हाय गाइस, वेलकम टू द व्लॉग। आज का व्लॉग कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम निकल पड़े हैं भाई एक इंस्टेंट ट्रिप पे। शो कर करके पागल हो रखे सारे बंदे अपने। बीच में दो दिन का विंडो मिला है जिसमें हम तीन लोगों का प्लान बना है गोवा जाने का, और जो तीन लोग हैं उनमें से एक से मेरे को कुछ ज्यादा मजा आने वाला है। पहली बार वो हमारे ब्लॉग में आ रहे हैं। फाइनली मेरा डेब्यू हो गया गौरव कपूर के व्लॉग में। मैं कब से विपुल को बोल रहा था, विपुल चलो ट्रिप, चलो मजे मारेंगे यार, प्लीज चलो। फाइनली विपुल हैज अग्रीड। कमरे के सीधा बाहर पूल हो रहा सामने, हो जाएगा तब तक पूल। आज यहाँ तो कोई देखने वाला भी नहीं है। की छोटी सी तोंद। मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ, मैंने कभी नहीं सोचा था कि होम स्टेज जो है इतने ज्यादा फन हो सकते हैं। सो वी बेसिकली बुक दिस प्रॉपर्टी फ्रॉम मेक माई ट्रिप होम स्टेज। इट्स बेसिकली डिफरेंट फ्रॉम अ रेगुलर प्रॉपर्टी दैट यू बुक। आराम से रिलैक्स करो, आओ, कोई रोक टोक नहीं है, फ्रीडम पूरी है, अपने हिसाब से एंजॉय कर सकते हो, रिलैक्स कर सकते हो, चिल कर सकते हो। किचन ओपन रहता है मैक्सिमम टाइम, जो आप खाना बोलोगे बहुत टेस्टी खाना आपको ताज़ा बन के मिलता है। सैंडविचेस भाई, चिकन सैंडविच एंड वेज ग्रिल सैंडविच, इन लोगों ने एस कर लिया है। इससे अच्छे सैंडविच मैंने आज तक कहीं नहीं खाया, और मैं हर रोज कहीं ना कहीं रुकता हूँ बिकॉज वी ट्रैवल अलॉट एंड इट्स सो पीसफुल राइट नाउ। यहाँ पे अकेला शोर सिर्फ मैं ही मचा रहा हूँ। क्या चल रहा है विपुल, सब व्लॉग कर रहे हैं आप, करोगे क्या? करना पड़ेगा, और उसका इक्विपमेंट इतना सही है, और सही है थोड़ी देर कुछ तो इन्वेस्टमेंट करें इक्विपमेंट में। चले तन में ये काटूंगा, रुक जा। कह रहा नहीं, फिर बोलता नहीं, लोगों को रोई चाहिए होता है। कह रहा तन में बढ़ गया, ब्लॉगिंग करता हूँ मैं। दोस्तों जो भी कह लो, फनी तो विपुल ही रहेंगे, ये बोल के मैं अपने नंबर बटोर रहा हूँ। है हरामी पर एटलीस्ट मेरी इज्जत तो करता है। और इस बार हम लोगों ने एक नई चीज करी, हमने यहाँ पे होम स्टे बुक करा है, एंड होपफुली इट्स गोना बी अ गुड एक्सपीरियंस। भाई होम स्टे में थोड़ा चिल सीन रहता है, रिस्ट्रिक्शन वगैरह कम रहती है, अपने हिसाब से रहेंगे, चिल मारते हैं पूरा। और देखो बॉयज है, बॉयज ट्रिप है, तो मेरे ख्याल से होम स्टे बेस्ट है, फिर अपन बॉयज हॉस्टल की तरह ट्रीट कर सकते हैं। बिल्कुल बॉयज, आप हो, मैं तो अंकल यार, मैं तो अंकल जोन में आ गया, मेरा पेट देख लो यार। मैं बॉय हूं तो तू चाइल्ड है, फिर से तो मैं बड़ा ही हूं एज। अब तू मना नहीं कर सकता बिल्कुल भी कि व्लॉग बंद कर। मुझे लग रहा है इस ट्रिप पे मैं एज अ डीओपी आया हूं। 1992 में सेबी के ऑफिस के क्लर्क आपस में बात करते, ले गया अर्चित, ले गया पूरा का पूरा। डेविड के आदमी तुम्हें ढूंढ रहे, तो क्या करूं रहीम चाचा? देखो रहीम चाचा, आज एक और मजदूर इन गुंडों को पैसा देने से मना करने वाला। एक तो यार गुंडे पैसे नहीं मांग रहे, तो मजदूर से यार सेठ से नहीं मांग रहे। जो जैसे गब्बर भी था, मेरे को लगता है वो लूटने के लिए गांव जा रहा है। तेरे को लूटना तो शहर जाए यार, गांव में तो जाए नहीं। तो और वो आके अनाज लूट रहा है, रॉ मटेरियल, खाना भी नहीं कि रेस्टोरेंट से खाना ही चुरा लू। फिर सब आटा ले ले घर। हाँ, वो गेहूं वो अनाज लेके जा रहा है, फिर सांभर से बनवा रहा है इंचो यहाँ पे। क्या चुतिया आदमी था गब्बर यार। क्या हेलो मैम, गुड मॉर्निंग, कैसे हो? हैं? अरे बन रहा पूरा माहौल। क्या कह रहे हो, ये क्या? ये पूरा बैक वाटर्स होगा ना सारा? ये बैक वाटर्स। हाय गाइस, तो बेसिकली जो आप मेरे पीछे देख रहे हो वो एक गार्डन है, विच इज विद इन अ प्रॉपर्टी दैट वी हैव बुक्ड फ्रॉम मेक माय ट्रिप होम स्टेज। बहुत जबरदस्त प्रॉपर्टी है, मैं आपको प्रॉपर्टी का टूर देने चलता हूँ। एक बहुत बड़ा सा गार्डन, उसके अलावा अमेजिंग सा हमारा बंगलो। बढ़िया बड़े मजा आ रहा है, मजा सही है। घुसते लेफ्ट साइड में किचन या फिर कॉमन एरिया जहाँ पे बैठ के खाना वाना खा सकते हो। सर अपना काम कर रहे हैं। हाय सर, एक ये है पहला रूम जिसमें भाई अपना वर्कआउट चल रहा है, काम चल रहा है, ठीक है। दूसरा रूम दोस्तों मिलाएंगे आपसे। विपुल भाई, द लेजी वन इज चिलिंग विद इन द रूम ओवर हियर। बहुत जबरदस्त रूम है ये। इसके अलावा बाथरूम वगैरह काफी सुंदर, इधर अपना जो भी है सीन फ्रॉम हियर। उस कमरे का बाथरूम मेरे कांदेवली के 2 BHK से बड़ा है। किसका? गुप्ता वाले का ना? गुप्ता वाले का। बहुत जबरदस्त दोस्तों, इस रूम का व्यू आपको दिखाते हैं। दिस इज द फर्स्ट रूम, हम 5 BHK प्रॉपर्टी, बहुत सुंदर, सामने पूल व्यू है, अगर आप ये खोल दो। एनीवेज बाहर चलेंगे, गुप्ता के रूम में जाएंगे। सो दिस इज बेसिकली द कॉमन एरिया, बैठने बैठने का प्रॉपर एरिया, शाम को पार्टी वार्टी करने का सीन इंतजाम पूरा है, टीवी देख सकते हो, अगेन पूल व्यू ओवर हियर, एंड सामने ये जबरदस्त व्यू भाई, ब्यूटीफुल।
Absolutely amazing. From here, if you go to the right, we have Gaurav Gupta sitting and chilling. This is Gaurav Gupta's room. Beautiful bed. बैठने का हिसाब किताब पूरा सामान्य भाई ने ऐसे ही छोड़ दिया अपना. द वॉशरूम इन दिस रूम इज एब्सोल्युटली अमेजिंग. बहुत बड़ा वॉशरूम भाई. बट वी हैव इवन बिगर वॉशरूम इन अनदर रूम जिसमें गुप्ता जिसमें मैं स्टे नहीं कर रहा था. बट वी हैव अनदर वॉशरूम विच इज इवन बिगर ऑन द अदर साइड विच इज पूल फेसिंग रूम. आ गया है स्विमिंग पूल जिसमें हमने बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करा है यहाँ पे. एंड वी विल टेक यू टू द मास्टर रूम गाइस. नाउ कैन यू बिलीव दिस इज जस्ट टू गुड अ रूम. नॉर्मल प्रॉपर्टीज में आपको इस तरीके के रूम्स और इससे भी ज़्यादा बड़े. दिस इज द वॉकिंग क्लोजेट ओवर हियर. क्लोजेट वगैरह है प्रॉपर अपना जितना सामान वगैरह रखना है. और वॉशरूम अगेन. इसके अलावा दोस्तों मैं आपको नीचे लेके चलता हूँ. एक छोटा सा रूम है एक और नीचे फिफ्थ रूम. बट दैट इज़ वेरी क्यूट दिस वन. इसका व्यू भाई सामने ही है. छोटी सी बैल्कनी है इधर. बट द रूम ओ माई गॉड इज नॉट वेल लिट राइट नाउ. पर छोटा सा प्यारा सा रूम है. सवेरे सोचो आप यहाँ बेड पर सो रहे हो आराम से मजे मार रहे हो जो भी है. अगेन वॉशरूम इज द वॉशरूम्स आर आई वुड से आर ऑल अमेजिंग. लाइक वेरी बिग वॉशरूम्स प्रॉपर स्पेस के साथ. इस रूम से बाहर निकलो भाई छोटा सा क्यूट सा बैल्कनी और सामने वो रहा बैक वाटर्स. इज लिटरली नोबडी अराउंड. दैट्स अ किचन दैट इज क्लोज राइट नाउ. दैट विल ओपन इन द इवनिंग. यहाँ पे आराम से बैठो भाई पार्टी वार्टी करो रिलैक्स करो. और ज़बरदस्त माहौल. सो बेसिकली आई नेवर थॉट दैट होम स्टेज कुड बी सो मच फन. क्योंकि क्या होता है ना हम लोग यूजुअली अपनी रेगुलर प्रॉपर्टीज बुक करते हैं. पर होम स्टेज का फायदा ये है कि फ्रीडम कुछ ज़्यादा ही है. अपने हिसाब से आप एंजॉय कर सकते हो. कोई रोक टोक नहीं कोई कुछ नहीं. पूल का टाइमिंग नहीं बेस्ट पार्ट. सो यू कैन एंटर द पूल इवन एट नाइट विच इज एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली अमेजिंग. ऑब्वियसली थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है पर ज़बरदस्त एंड वेरी पीसफुल. देर इज लिटरली नोबडी. सो इफ यू नॉर्मली कम टू गोवा बहुत क्राउडेड बीचेस पर लोग जाते हैं बागा कैलंगुट वगैरह कहीं भी. आई लव दोज प्लेसेस. पर इस बार हमने प्लान करा भाई थोड़ा आराम से रिलैक्स वाला ट्रिप मारेंगे सब कमेडियंस अपने दो तीन जो भी दोस्त वोस्त मिल करके. क्योंकि बहुत सारे शोज हो रहे थे एंड फाइनली दिस इज द प्लेस दैट वी फाउंड. वी आर द ओनली वंस इन दिस प्रॉपर्टी राइट नाउ. बेस्ट पार्ट है हम लोगों ने वीकडे में बुक करा तो और भी कोई नहीं. तो मज़ेदार पूरा माहौल दो दिन से. मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ मैंने कभी नहीं सोचा था कि होम स्टेज जो है इतने ज़्यादा फन हो सकते हैं. सो वी बेसिकली बुक दिस प्रॉपर्टी फ्रॉम मेक माई ट्रिप होम स्टेज. और इट इज़ बेसिकली डिफरेंट फ्रॉम अ रेगुलर प्रॉपर्टी दैट यू बुक. आराम से रिलैक्स करो आओ कोई रोक टोक नहीं है. फ्रीडम पूरी है अपने हिसाब से एंजॉय कर सकते हो रिलैक्स कर सकते हो चिल कर सकते हो. किचन ओपन रहता है मैक्सिमम टाइम. जो आप खाना बोलोगे बहुत टेस्टी खाना आपको ताज़ा बन के मिलता है. टाइम नहीं लगता. प्लस द बेस्ट पार्ट इज स्टाफ से आपकी बॉन्डिंग बड़ी अच्छी हो जाती है. सो यहाँ का इस प्रॉपर्टी का जो स्टाफ है दैट इज़ ऑल्सो वेरी अमेजिंग. हमारी कोई भी हेल्प वगैरह करनी पड़ती है कुछ हमें चाहिए होता है ड्रिंक्स वगैरह दे ऑलवेज हेल्प अस विद दैट. और फ्रेश खाना स्पेशली इस प्रॉपर्टी में आपको बताऊँ सैंडविचेस भाई चिकन सैंडविच एंड वेज ग्रिल सैंडविच इन लोगों ने एस कर लिया है. इससे अच्छे सैंडविच मैंने आज तक कहीं नहीं खाया. और मैं हर रोज़ कहीं ना कहीं रुकता बिकॉज वी ट्रैवल अलॉट बिकॉज ऑफ द शोज एंड इट्स सो पीसफुल राइट नाउ. यहाँ पे अकेला शोर सिर्फ मैं ही मचा रहा हूँ. सबसे ज्यादा जोशीला नौजवान जो है यहाँ पे गुप्ता कर रहा है पूल में कुछ जो अकेले और हो रहा कमरे के सीधा बाहर पूल हो रहा सामने. तो हो जाएगा गुप्ता पूल आज. यहाँ तो कोई देखने वाला भी नहीं है. जब स्विमिंग पूल में टक्कर होती है जिस जगह पड़ी है इसमें गलती उसकी ना कि ये तो बैकस्ट्रोक आ रहा है हवा में ऊपर देख रहा है तो सीधा देख के आ रहा है. दोस्तों आज सबसे शूट कर करके थक गए एकदम चूर हो चुके हैं और ब्रांड ने अभी तक अप्रूवल नहीं दिया. जितना काम गौरव कपूर ने मुझे कराया था मैंने पूरे यूनिवर्सिटी और वेब सीरीज में नहीं किया. और 30 दिन शूट हुई थी. मैं बताना चाहता हूँ मैंने आज तक कभी दारू पी के शो नहीं किया है. मैं दारू पी के सिर्फ ड्राइविंग करता हूँ. Hey, first time in my vlog, morning looks of Vipul Goyal and Gaurav Gupta. सुमन भाई कैसे हैं? दोस्तों ये प्रॉपर्टी पे भैया मिले हमें एक चीज दिखा रहे हैं दिखाओ. अच्छा किसका अंडा है ये? अरे वाह दूर रहना पड़ता है ना पर किस चीज का अंडा है ये? ओ एक छोटा सा पक्षी है. अच्छा उसका नाम मालूम नहीं. हाँ उसी का. अच्छा अब ये दिखा. मैं आया इधर तो हाँ? उड़ के चला गया. अच्छा इधर क्या कर रहा था? अच्छा हाँ कल रात भी यहीं पे था पता उड़ उड़ के जा रहा था इधर मैंने देखा था एक दो बार. अंडा है तो रहेगा. अच्छा चलो ठीक है दूर हो जाते फिर आने दो. और ब्लू शर्ट ब्लू जीन्स.
मैं बता दो, मेरे शो में जाता हूँ 200 लोग होते हैं, मैं जब पहली बार स्टेज पे आके मैं देखता हूँ ना ऑडियंस ऐसे 200 दिख रहे, तो मुझे सीधा फील होता है कि इस पूरे 200 लोग में शो में सबसे गंदा ड्रेस्ड मैं हूँ। जीरो एफर्ट मारा है इस बादल शो ने, बाल भी नहीं बनाए इसलिए आ गया, और ऑडियंस बेचारी मैं देख रहा हूँ बिल्कुल प्रॉपर ना सुंदर प्रॉपर ड्रेस में बढ़िया कपड़े जूतों में, दो घंटे लगे तैयार होने में, लड़के भी सब पूरा जींस वींस प्रॉपर कोई ब्लेजर पहन के आ रहा है कोई नहीं। मेरे ड्रेसिंग सेंस देख के आप सीधा बता सकते हो कि अग्रवाल से आज की मीटिंग से आ रहा है, पर आज भी किल उतना ही है जितना 10 साल पहले था। भाई हमारे मोहल्ले कुछ रेस्टोरेंट्स के अमेरिका में चेन खुल गए, लेकिन इनका भैया उनको नहीं ला पा रहा आज भी बड़े बड़े, और वो बड़े घमंड से लिखते हैं हमारी कोई ब्रांच नहीं है प्राचीन। तो मेरा कंक्लूजन ये कि मैं चाहता हूँ मैंने जिंदगी को हंसाया है, 20 साल बाद में उनके बच्चों को भी हंसाना चाहता हूँ। तो दोस्तों बेसिकली फुटेज के अंदर पता चल जाएगा गुप्ता का चश्मा कहाँ है, एंड वी होप उसी कमरे में दोबारा वो चश्मा मिले कहाँ इसमें। भैया दिखवा दो जरा, ढूंढ लो यार इसमें, ऐसा पहना था ना, इधर देख लेते देख ले पूरा देख लेना उधर। अबे ये क्या है भाई अरे भाई अब कौन कहता है गौरव कपूर ब्लॉग सही चीज नहीं है भाई, तो है तो डिटेक्टिव एजेंसी है। दोस्तों गुप्ता कल से चश्मा ढूंढ रहा था, चश्मा नहीं मिल रहा था, अब बता दे क्या है। गाइस बहुत ही यार खुशी होती है मुझे बताने की, गौरव कपूर ब्लॉग इज नॉट जस्ट एन एंटरटेनमेंट प्रोडक्ट, इट्स अ इंटेलिजेंस एजेंसी ऑल्सो। इसने हमने ब्लॉग्स की फुटेज से जो जो से बनाई थी ब्लॉग में डालने के लिए, उससे ये पता लगा लिया कि मैंने लाल चश्मा कहाँ पहना हुआ था, किस कमरे में था और किस कमरे में था, और वहीं पे मिला। अब जहाँ ये ब्लॉग बना रहा वहाँ कोई खून हो जाए। ये इसको कॉन्टेक्ट है, ये बताएगा कि ये ब्लॉग में इस दिन ये था, यहाँ पर ये था, वो था, सबूतों के हिसाब से लास्ट चीज लास्ट शक यहीं पे आता है। इंटेलिजेंट एजेंसी भाई, यहाँ का स्टाफ कुछ ज्यादा ही बहुत ही बढ़िया स्टाफ है, मतलब मजा आ गया कल से भाई। हम थोड़ी इतनी हरकतें कर रहे हैं दूधंगा हर जगह, पर भैया लोग बिल्कुल नाराज नहीं हो रहे, भैया थैंक यू सो मच। पैर में कांटे लग गए हैं और मुझे कांटा लगाने का काम दिया गया, ये कांटा नहीं पड़ रहा है सीनियर कॉमिक्स को, जस्ट बिकॉज़ टिकट से ज्यादा है इसकी आज की। नहीं विपुल नहीं, दिस इज बुमरा कमिंग फ्रॉम स्टेयर्स एंड ही इज लुकिंग वेरी अग्रेसिव टुडे। ओ माय गॉड दैट्स अ स्टमक, दिस बॉल, ओ माय गॉड दैट्स अ बाउंसर, ओ माय गॉड व्हाट हैपेंड टू अ 39 ईयर ओल्ड मैन। Guys, if you like Gaurav Kapoor vlogs, please subscribe to his channel, and his channel name is Humorously Yours. Guys, please subscribe to Humorously Yours anyway. नहीं वो चैनल का नाम चलेगा अभी लेकर। So guys, अगर आपको वीडियो पसंद आए, please Gaurav Kapoor के vlog चैनल को सब्सक्राइब करो। उनके चैनल का नाम है Vipul Goyal @YouTube। नहीं तो जाके अभी सब्सक्राइब बटन दबाओ। So guys, this is the last day of our boys trip with Vipul and Gaurav भाई, और भाई अंधाधुन मजे मार लिए हम लोगों ने, मतलब and we totally required it, क्योंकि भाई लाइन से शोज चल रहे थे, दुखी हो रखे थे सारे बंदे, और हमें ऐसी जगह चाहिए थी जहां हम अपने खुल करके रिलैक्स होकर फ्रीडम के साथ फन मार पाए। ये और क्या बढ़िया होमस्टे था भाई यहाँ पे, मतलब एकदम आलीशान, मजा आ गया, मैं तो वापस आ रहा हूँ यार, मन ही नहीं कर रहा जाने का। Okay guys, so that was the end of today's vlog. I hope you liked the vlog. If you liked the vlog, then do subscribe to the channel. In case okay, the next vlog is gonna be out very soon. टेंट बस ठीक है भाई, अपने वाले ब्लॉग में डालेंगे, वाले से जोक्स, ये वाले जोक्स अपने ब्लॉग में डालेंगे भाई।